हेलो गाइस, कैसे आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स वीडियो में सियासत बैठ क्वेश्चन फिजिकल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपका दोस्तों फिजिकल में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, वहाँ पे आपकी हाइट चेस्ट वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आपके जास्त में ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड हमारे मतलब यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ सियासत एंड कॉन्स्टेबल फिजिकल डिटेल्स, ठीक है। मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ गाइस। तो फिर नीचे आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप सियासत एंड कॉन्स्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस नीचे आ जाइए। इसमें फ्रेंड्स अगर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, इसमें दोस्तों आपका सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है, जिसको हम PST बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका बाद में इसमें डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे इसमें, ठीक है। और सेकेंड नंबर आप फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर बाद में दोस्तों इसमें आपका CVT टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ठीक है। और बाद में आपका यहाँ पे होना स्किल टेस्ट, जिसको हम टाइपिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं। और बाद में दोस्तों आप देखते हैं मेडिकल टेस्ट है। फिर आपकी फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस नीचे आ जाइए फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अपने PST के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स जनरल SC OBC से हैं, उनकी जिसमें हाइट मांगी गई है दोस्तों 165 सेंटीमीटर में आपकी हाइट होनी चाहिए, जो जनरल SC OBC से हैं, ठीक है। उनके लिए 165 सेंटीमीटर आपकी इसमें हाइट होनी चाहिए। अगर इसमें आपकी दोस्तों चेस्ट की बात की जाए, ठीक है, आपकी चेस्ट दोस्तों इसमें कम से कम मिनिमम 77 होनी चाहिए दोस्तों, और मैक्सिमम आपकी 82 होनी चाहिए। मतलब 5 इंच का आपका इसमें फुलाव मांगा गया है, ठीक है। आपकी कम से कम 77 होनी चाहिए, जहाँ जैसे आपकी 82 होनी चाहिए, 77 से लेके 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए इसमें दोस्तों। अगर आपकी इतनी चेस्ट है तो आप दोस्तों मतलब फिजिकल में जाएं, वरना मत जाइएगा। मैं आपसे बस इतना मतलब सबको सजेस्ट करूँगा। और जिनकी दोस्तों में चेस्ट कम है, मुझे कॉमेंट कर दीजिए गाइज। मैं आपका चेस्ट बढ़ाने के मतलब आपको मैं कुछ टिप्स बता दूंगा कॉमेंट में, ठीक है। आप मुझे बता देना जिसकी चेस्ट या कुछ भी आपको कमी है तो, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर आप फीमेल की बात की जाए, जो भी जनरल SC OBC से जो फीमेल मतलब बिलोंग करती है, उनकी इसमें मतलब हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए इसमें हाइट मांगी गई है। और जो भी SC मतलब जो भी ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, स्टूल कास्ट से, तो फ्रेंड्स उनमें मतलब उनकी हाइट से मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है ST कास्ट के लिए, ठीक है। और जो भी ST कास्ट से उनकी मतलब इसमें चेस्ट मांगी गई है ST कास्ट के लिए 76 से लेके 81 की इसमें चेस्ट होनी चाहिए, 76 बिना फुला 81 फुला के, जो भी ST कास्ट से हैं, ओके। और जो भी फ्रेंड्स से मतलब जो भी फीमेल है ST कास्ट से, उनकी इसमें मतलब की हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर आपकी इसमें हाइट होनी चाहिए, जो भी ST से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें दोस्तों आपके CVT के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका जो फिर पेपर दोस्तों आपका 4 पार्ट आपका पेपर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको दोस्तों आप इसमें जनरल मतलब जनरल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब रीजनिंग को हम बोलते हैं। फिर बाद में आपको जनरल नॉलेज मिलेगा गाइज। फिर आपको अर्थमेटिक मैथ मिल जाएगा। और फिर गाइज आप देख सकते हैं इंग्लिश या हिंदी, मतलब दोस्तों आपको मतलब इंग्लिश या हिंदी में से तो एक ऑप्शन कर आपको चूज करना है। वहाँ पे आपको दोनों करके नहीं आना है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी करिएगा, अदरवाइज आप इंग्लिश करिएगा। वो सब आपके ऊपर डिपेंडेड होगा, ठीक है गाइज। और इसमें आपके टोटल टाइम की बात की जाए, 120 मिनट आपको मिलेंगे दोस्तों, 2 घंटे 120 मतलब दोस्तों 120 मिनट आपके 2 घंटे आपके आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके लिए पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है इसमें दोस्तों। आपके मतलब आपकी इसमें टाइपिंग की बात की जाए फ्रेंड्स, देख सकते कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल देन अपियर फॉर द स्किल टेस्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट। द टाइम अलाउड विल बी 10 मिनट्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, वाइल फॉर हिंदी टाइपिंग इट 30 वर्ड पर मिनट। दोस्तों अगर आप अपनी मतलब आपके इसमें अगर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग अच्छी है, तो दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड से मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में मांगे गए हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड दोस्तों हिंदी में है, तो आपसे इसमें 30 वर्ड पर मिनट मांगे इसमें दोस्तों आपसे मांगे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँ आपकी इंग्लिश में मतलब अपनी टाइपिंग स्पीड दोस्तों आप इंग्लिश में करें। इंग्लिश दोस्तों आपका काफ़ी ईजी पड़ेगा आपको, हिंदी में दोस्तों आपकी ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में आपकी कम मिस्टेक होगी। और दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग करना काफ़ी बेटर होता है, ठीक है। अगर आप टाइपिंग करें गाइस, तो इंग्लिश की टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। हिंदी पे दोस्तों जिनकी मतलब हिंदी जिसकी ज़्यादा कमांड हो, वो हिंदी भी कर सकते हैं। हिंदी भी कोई बुरी नहीं है गाइस, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा आप इंग्लिश की टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड आप देखिए फ्रेंड आपका दोस्तों आप पे मेडिकल हो जाएगा बाद में, फिर आपकी मेरिट लिस्ट दोस्तों बन जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका फ्रेंड्स आपका फिजिकल का मतलब पूरा प्रोसेस दोस्तों, आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दिया गाइज।
दोस्तों अगर आपको मतलब किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है या फिर फ्रेंड्स को आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है गाइस, तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए गाइस, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।